मैं अपने गांव की एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने दसवीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करी और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया जाते से मुझे आठ दस दिन बाद नियम समझाया गया कि उस ससुराल में कैसे रहना है आप डाइनिंग टेबल में नहीं बैठोगे आप सोफे में नहीं बैठोगे आप टीवी नहीं देखोगे आप हंसोगे नहीं कि मेरे मेरे पुरी पुरी ये मेरे माथे में पूरे माथा फूटा हुआ है मेरी मेरी पूरी पीठ जली हुई है हाथ मेरे पूरे कटे हुए हैं उस दिन मैं समझ गई कि मुझे कोई भी बचाने के लिए आने वाला नहीं है मैंने सोचा बहुत हो गया अब यार ख़त्म करते हैं जिंदगी यार तो मैं साड़ी को पंखे में लगाया अपने गले में डालने ही वाली थी नमस्कार मेरा नाम सविता प्रधान है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में मैं ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ और शायद ये भी मेरा परिचय नहीं है जो मेरी कहानी मैं आपको आगे बताऊँगी शायद उससे आप मेरे परिचय समझ पाएंगे तो कहानी शुरू होती है मेरे पैदा होने से मैंने एक आदिवासी परिवार में जन्म लिया और मैं मेरे परिवार की तीसरी बेटी थी क्योंकि आदिवासी समाज था पिछड़ा हुआ इलाका था एक छोटा सा गांव था ना टीवी होती थी ना किसी तरह की कोई सुविधाएं हुआ करती थी गांव में दसवीं तक का स्कूल ही था तो अमूमन मेरे घर में सब लोग यही काम करते थे कि जैसे कि धान की कटाई करना छोटी मोटी खेती में महुआ बीनना गुल्ली बीनना बीड़ी के पत्ते तोड़ना गोबर उठाना तो मैं भी बिल्कुल खुशी खुशी वो सारे परिवार के कामों में सहयोग करती थी मेरे गांव में अधिकतर लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते थे लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लड़कियों में थी जिसको स्कूल भेजा गया स्कूल जाने के साथ में सुबह चार बजे पाँच बजे उठ करके हम लोग मुआ मऊआ बीनने के लिए चले जाते थे गुल्ली बीनने के लिए चले जाते थे बीड़ी पत्ता तोड़ने के लिए चले जाते थे और ये सब काम निपटाने के बाद हम दस बजे स्कूल भी चले जाते थे कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि स्कूल जाने का भी शायद रीजन था कि आदिवासी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी तो वहाँ पे जो माँ बाप थे वो पढ़ाने से ज्यादा इस बात पे ध्यान देते थे कि हमारे बच्चे को डेढ़ सौ रुपए दो सौ स्कॉलरशिप मिल जाएगी चलो उसको स्कूल में एडमिशन करा देते हैं इस तरह की धारणा के शायद मेरा एडमिशन हो गया मैं अपने गाँव की एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसने दसवीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करी तो थोड़ा मेरे पिताजी को खुश खुशी हुई वो उन्होंने ऐसा तो कोई मेरे लिए सपना नहीं बना रखा था कि मैं बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा या कोई बहुत बड़े पद में पहुंचाऊंगा लेकिन वो निगेटिव टाइप के पिताजी भी नहीं थे उन्होंने मुझे मेरे स्कूल से सात किलोमीटर दूर और एक शासकीय विद्यालय था जहाँ पे ग्यारहवीं बारहवीं के स्कूल हुआ करते थे वहाँ मेरा एडमिशन करा दिया तो वहां से जाने के लिए जो है एक बस चला करती थी उसमें दो रुपये किराया लगता था एक रुपये जाना और एक रुपये आना तो हम लोग इतने भी सक्षम नहीं थे कि दो रुपये रोज का दे पाए और एक ही बस थी कभी आती थी कभी नहीं आती थी तो शुरू में तो मैं स्कूल वहाँ पे गई बस से और कई बार ऐसा भी हुआ कि बस नहीं मिली तो मैं पैदल भी गई फिर मेरी माँ ने उसी गाँव में एक छोटी सी नौकरी कर ली उस नौकरी के कारण में हम लोग उसी गाँव में रहने लग गए और मैं इलेवेंथ में मेरा एडमिशन हो गया मैं वहाँ पे बायोलॉजी बायोलॉजी लेकर पढ़ने लगी ये था कि मुझे तो उस समय ये पता चल गया था कि बायोलॉजी लेने से जो है ना पी की परीक्षा दी जा सकती है और डॉक्टर बन जाते हैं और मुझे लगता है बीस पच्चीस साल के मेरी एज के जितने बच्चे होंगे उस समय यही सपने देखते थे डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है यही सपने हुआ करते थे तो मेरा भी सपना ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और मुझ में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं दसवीं पास हो गई मैं पूरे गाँव में कोई पास नहीं हो मैं ही दसवीं पास हो गई तो मैं एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो डॉक्टर बन ही जाऊंगी और इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे लिए शादी का एक रिश्ता आया रिश्ता इतने बड़े घर से आया कि बहुत ही उच्च शिक्षित लोग थे बहुत ही बड़े बड़े पद में उस घर के लोग रह प्रतिष्ठित थे तो उस घर से जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे पिताजी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो इतने से गरीब लोग हम लोग महुआ बीनने वाले लोग बीड़ी पत्ता तोड़ने वाले लोग गोबर उठाने वाले लोग धान की कटाई करने वाले लोग इतने बड़े घर से मेरी लड़की का रिश्ता आ रहा है तो मेरे पिताजी बिना कुछ सोचे देखे समझे इवन वो लड़के का घर भी नहीं देखने गए और उन्होंने बिल्कुल पहली बार देखने आए और हाँ कर दी लेकिन मैं मेरे सपनों में खोई हुई थी तो मैंने मेरे बाबूजी से कहा कि बाबूजी मेरे को शादी नहीं करनी है मुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे बोला कि नहीं इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और तू समझ नहीं रही है फिर उनके जो पिताजी थे जहाँ मेरी शादी हुई फादर इन लॉ शब्द मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि फादर शब्द जो है ना बहुत बहुत मेरे लिए सम्मानजनक शब्द है वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं थे तो उनको फादर इन लॉ कैसे बोलूँ पर वो जो भी इंसान था उसने मेरे पिताजी को ये बोला कि रिसेंटली हमारी एक बेटी की डेथ हुई है उसका भी सपना था डॉक्टर बनना पढ़ाई करना तो सविता को हम इसलिए लेके जाएंगे कि हम उसको उसके सपनों को सविता में जीना चाहते हैं उसको पढ़ाना चाहते हैं उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं मेरे पिताजी को ये बात जम गई क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे पीएमटी की कोचिंग करा सकें या मेरी कोई पढ़ाई में कॉलेज की फीस भर सकें इस तरह की कोई भी उनकी हैसियत नहीं थी मेरे पिताजी ने इस बात को आ, मान लिया ना उस लड़के की एज देखी ना वो घर जाके उसके परिवार को देख के आए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है दूसरे ही दिन मेरी सगाई तय कर दी गई वो लड़का उस समय मुझसे उम्र में दस ग्यारह साल बड़ा था जब सगाई तय करी गई तो अः uh, ऑब्वियसली दूसरे दिन उसने अपने माँ बहन उसके जो रिलेटिव थे उन सबको बुलवाया कि इस लड़की एक लड़की हमने पसंद कर ली है उससे सगाई हो रही तो सब लोगों को उसने बुलवाया हमारे घर में चूल्हे में खाना बना करता था तो वो उसकी जो बहन थी उस समय एम कर रही थी तो मैं मेरी बड़ी दीदी के साथ किछन में किचन में किचन क्या चूल्हे में खाना बना रही थी मेरी दीदी बना रही थी मैं उनके सामने बगल में चूल्हे में बैठी हुई थी तो वो अपनी बहन को मुझसे मिलवाने के लिए लेके आया तो हमारे यहाँ तो हाय हेलो कुछ चलता नहीं था गांव में राम राम नमस्ते पैर पड़ना यही सब कुछ चलता था तो बोला ये मेरी बहन है तो मैंने एक हल्की सी स्माइल दे करके बस उनको नमस्ते किया उसने मुझे सबके सामने इतना जलील किया बेवकूफ कहीं की हाय हेलो कभी करते भी नहीं आता है तेरे को बदतमीज मैं वही सहम गई वो मेरा पहला सदमा था जब उसने मुझे डांटा तो मुझे इतनी बेज्जती फील हुई क्योंकि शायद मुझे बचपन से ही भगवान ने मुझे स्वाभिमान ही पैदा किया था मुझे बहुत जलालत फील हुई बहुत बेज्जती फील हुई मैंने विरोध किया मैंने कहा बाबूजी कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी आपको जो करना है कर लो मैं शादी नहीं करूंगी मैं रोई नहीं उस समय मैं शादी नहीं करूंगी कहीं पूरी रात मेरे घर वाले उसके परिवार वाले सब समझाते रहे बेटा कुछ नहीं हुआ छोटी सी बात है बोल दिया है कोई बात नहीं है और मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया गया और मेरी एज भी इतनी छोटी थी कि मैं ये तो समझ रही थी कि ये मेरे लिए सही नहीं है मेरी बेज्जती कर रहा है जो भी मेरी बेज्जती कर रहा है वो आगे क्या मेरे साथ में रहेगा इतनी मुझे समझ थी बहुत ज्यादा समझ नहीं थी लेकिन फिर भी इतना दबाव था कि मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं और अगले ही दिन मेरी उसके साथ में सगाई कर दी सगाई हो गई वो चला गया सगाई के जस्ट एक महीने बाद मेरी उसके साथ में शादी हो गई और मुझे सच बताऊं तो शादी के कोई मायने पता नहीं थे मैं साढ़े सोलह सत्रह साल की हो रही थी मेरे को शादी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था शादी का तीन चार दिन का माहौल चलता रहा वो लोग बड़े लोग थे तो भोपाल में रिसेप्शन भी दिया एक बहुत बड़े हॉल में मेहमान भी बने रहे फिर तीन चार दिन बाद वो मेहमान चले गए फिर वो जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी फिर मैं कहूँगी कि सिस्टर शब्द भी बहुत संवेदनशील शब्द है जो लड़की लड़की बनने के लायक नहीं उसको सिस्टर कैसे बोलूं लेकिन रिलेशन में उस समय मेरे लिए वो सिस्टर इन लव थी तो उसने किचन में लिखा एक काले स्केच पेन से पहले सफाई करो फिर खाना बनाओ बहुत ही बोल्ड अक्षरों में किचन में उसने लिखा वो लोग पक्के मकान में रहते थे हम लोग तो कच्चे मकान में रहते थे मिट्टी वाले मकान में रहते थे तो वो पहला एक टाइम था जो मुझे फिर से मेरे आत्मसम्मान को हर्ट हुआ कि मुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है और शायद नौकरों के लिए ऐसे गाइडेंस होते हैं कि पहले सफाई करो फिर खाना बनाओ मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया घर के सारे काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े इसके अलावा मेरी दादी सास भी हुआ करती थी जो बेड में ही लेटरिन बाथरूम सब करती थी तो उनका बेड में ही लेटरिन बाथरूम कराना उनके लेटरिन बाथरूम के कपड़े साफ करना ये सारा काम मेरा हुआ करता था स्थिति ये भी मेरे लिए फिर भी स्वीकार्य थी कि मैं घर का सारा काम कर लू हालांकि ना मेरी एज थी ना मेरा वैसे मेंटल प्रिपरेशन था कि मैं इतने काम कर सकूं मैं घर में काम करती थी लेकिन मुझे घर में आराम भी मिलता था भरपूर नींद भी मिलती थी और जो उपलब्ध था वो भरपूर खाना भी मिलता था चाहे वो दाल चावल सब्जी क्यों ना हो वहाँ ना मुझे खाना मिलता था ना मुझे आराम मिलता था और बाकी चीजें जो मेरे साथ में चालू हुई मारना मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि मारना क्या होता है मतलब किस बात पे मारा जाता है जाते से मुझे आठ दस दिन बाद नियम समझाया गया कि उस ससुराल में कैसे रहना है आप डाइनिंग टेबल में नहीं बैठोगे आप सोफे में नहीं बैठोगे आप टीवी नहीं देखोगे आप हंसोगे नहीं आप गाओगे नहीं आपकी तेज आवाज नहीं हो अगर आपको बात करना हो वैसे तो आपको बात करना ही नहीं है अगर आपको बात करना हो तो थर्ड बटन में मतलब ऐसे नीचे मुंडी करके आपको बात करनी है किसी के सामने खड़े होना तो ऐसे ऐसे खड़े होना है ये मुझे नियम उस घर में समझाए गए मैं इन नियमों से बिल्कुल परिचित नहीं थी खाना खाने का ये नियम था कि सबसे आखिरी में आप खाना खाएंगे वो भी बज गया तो नहीं बचा तो दोबारा आपके लिए खाना नहीं बनेगा जबकि खाना मैं खुद ही बनाती थी तो मैंने क्या किया मैंने उनको कहीं कही ना कहीं मैं मार के डर से गाली के डर से ए, क्या करती थी कि मैं रोटियों को अपने अंडर गारमेंट में छुपा लेती थी, थी कहीं भी छुपा लेती थी, थी और बाथरूम जाती थी और दो रोटियां मैं एक्स्ट्रा खा लिया करती थी बिना सब्जी के सब्जियों को तो मैं अंडर में छुपा नहीं सकती थी ना तो मैं रोटियों को अंडर में अपने छुपा करके बाथरूम में जा के रोटियाँ खाया करती थी लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे साथ में क्या हो रहा था ना उस समय इंटरनेट था ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी ना मैं टी देखती थी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या सही होता है क्या गलत होता है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है इस बीच में ये हुआ कि एक दिन मेरे बाबूजी मेरे से घर में आए तो उसी दिन उसने मुझे मारा था तो मेरे बाबूजी जब घर में आए तो मैं बहुत रोई मैंने कहा बाबूजी यार प्लीज़ मेरे को लेके चलो मेरे को इसके घर में नहीं रहना है कैसे भी करके आप मुझे लेकर के चलो मेरे बाबूजी ने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा तू शाम को तैयार रहना मैं तेरे को लेकर चलूंगा मैं ना उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुई सारी तकलीफों में छोड़ कर मैं खुश हो गई यार मुझे आज आजादी मिलने वाली मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगी मुझे रोज मार नहीं खाना पड़ेगा शाम के चार बज गए पांच बज गए छः बज गए सात आठ नौ दस मेरे बाबूजी मेरे को लेने के लिए नहीं आए नहीं आए मेरे बाबूजी मेरे को लेने के लिए उस दिन मैं समझ गई कि मुझे कोई भी बजाने के लिए आने वाला नहीं है जीना मरना जो भी है ना मुझे यही करना है मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आने आने वाला है उसका ऑलरेडी कहीं के साथ में अफेयर भी चल रहा था बहुत जगह उसके रिश्ते भी थे कभी घर आता था कभी नहीं आता था जब भी आता था तो सिर्फ मारने के लिए आता था अगर मैं मार को गिनना चाहूँ ना तो मैं ना याद कर सकती हूँ ना गिन सकती हूं, कि मुझे कितनी बार उसने मारा होगा मैं गिन भी नहीं सकती हूँ अब पता है मेरी मानसिक स्थिति ये हो गई कि मैं ये सोचने लग गई कि मैं ये सोचने लग गई कि मैं इन सबका मर्डर कर दू सब का मर्डर कर दूं तो फिर वो मैं ये भी सोचती थी मर्डर कर दूंगी तो मैं जेल चले जाऊंगी तो मैं एक छोटे बच्चे के दिमाग के हिसाब से साढ़े सत्रह अठारह साल की उम्र में जो मेरा दिमाग था आज तो इंटरनेट है मीडिया है उस समय कुछ नहीं था उस समय समय तो मैं उस समय सोचती थी कि मैं इनकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगा दू सेफ्टिक टैंक में डाल दू इनको काट दूं क्या कर दूं, इस तरह की मानसिक चीजें मेरे दिमाग में आने लग गई इसी बीच में क्या हुआ मेरी तबीयत ख़राब हो गई बहुत जब मेरी तबीयत खराब हुई काफ़ी दिन से मेरी खांसी चल रही थी फ़ीवर आ रहा था अभी मेरा वेट 57 सेवन के जी उस समय मेरा वेट जो है 38 एट थर्टी नाइन के जी हो गया था और बहुत ही वीक हो गई थी मैं बहुत ही वीक हो गई थी और फिर मैंने एक दिन जो कि मेरी सिस्टर इनला थी एम बी बी एस कर रही थी तो मैंने उनसे ही कहा कि प्लीज़ आप मुझे कोई दवाई दिलवा दीजिए या मेरी कोई इलाज करवा दीजिए मैं बहुत दिन से खांसी भी हो रही है मुझे लगातार फीवर भी आ रहा है तो कोई आप मेरा इलाज करवा दीजिए दो तीन दिन तक तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी फिर दो तीन दिन बाद उन्होंने मुझे कोई दवाई ला दी कि ये दवाई आपको पीनी है मैंने कहा ठीक है मैं तो पढ़ी लिखी थी नहीं बहुत ज़्यादा और इंग्लिश तो मुझे जीरो थी क्योंकि हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूल की पढ़ाई की हुई थी छठी में तो ए बी पढ़ते थे तो मैं कोई दवाइयों के नाम के बारे में दवाइयों के बारे में नहीं जानती थी मैंने वो दवाई पी उसके बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं एक लावारिस सो क्रिश्चियन के अस्पताल में भर्ती थी जहाँ पे मैं बेड में ही यूरिन करती थी न मैं उठ सकती थी न मैं बैठ सकती थी पूरे टाइम छत को देखती थी ऐसे और पंखा चलता रहता था पूरे अस्पताल में छत में फिर मैं तब भी मैं ये सोचती थी नहीं मरना नहीं मरना नहीं मरना नहीं उसी समय मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ मुझे कोई घर से देखने भी या नहीं आया कुछ नहीं आया फिर डॉक्टर ने बताया कि मुझे कुछ खिला दिया गया है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ है अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया फिर उस समय पोस्ट कार्ड अंतरदेशी कार्ड ऐसे हुआ करते थे और चिट्ठियाँ जो है सात सात आठ आठ दिन में घर पहुँचा करती थी मेरे पिताजी को मैंने चिट्ठी भेजी कि मैं यहाँ अस्पताल में भर्ती हूँ ऐसी ऐसी मेरी स्थिति है और मुझे जो है अस्पताल से लाने के बाद में मेरे मायके वापस भेज दिया गया वापस जब भेज दिए गए तो मेरे मैंने पिताजी से बोला बाबूजी अब नहीं जाऊंगी अब तो नहीं जाऊंगी मेरे पिताजी ने उस दिन एक लाइन मुझसे बोली जिसके लिए शायद ये मेरा विश्वास है या शायद मुझे रिश्तों से विश्वास खत्म हो गया दोनों चीजें हैं बोले धारा की विपरीत बहेगी ना नदी की धारा की विपरीत बहेगी ना तो कहीं नहीं पहुंच पाएगी मैं उसका अर्थ बहुत गंभीरता से समझ गई मतलब जो तेरे साथ में हो रहा है उसको सहते जा और इसके विपरीत करेगी तो हम तो तेरे साथ में नहीं है और फिर ये भी समझाया गया परिवार के द्वारा कि बच्चा हो जाता है तो सब ठीक हो जाता है एक बच्चा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा मेरा एक बच्चा भी हो गया और डेढ़ साल बाद दूसरा बच्चा भी मेरा हो गया लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ ये मेरे माथे में पूरे माथा फूटा हुआ है मेरी मेरी पूरी पीठ जली हुई है हाथ मेरे पूरे कटे हुए हैं कुछ भी मेरे साथ में ठीक नहीं हुआ मैंने सोचा बहुत हो गया अब यार खत्म करते हैं जिंदगी यार नहीं नहीं जीना बहुत हो गया यार इतनी मार खाना इतनी जला रहा है तब बहुत हो गया नहीं जीना मुझे तो मैंने उस दिन फैसला किया कि आज मैं सुसाइड कर लूंगी मेरा बड़ा वाला बेटा जो था वो पौने दो साल का था छोटा वाला ये जो चार स, चार महीने का था तो मैंने पहले अथर्व नाम है मेरे बड़े बेटे का उसको मैंने सुलाया छोटा बेटा मेरा यजूस था वो फीडिंग बेबी था मैंने उसको बहुत प्यार से दूध पिलाया उसको थपकियाँ दे के सुलाई जैसे कि मैं आखिरी बार उसको सुला रही हूँ मैंने तो समय यही सोचा कि मैं आखिरी बार ही सुला रही हूँ उसको पता नहीं इसके बाद कोई सुलाएगा भी या नहीं सुलाएगा मैंने सच में यही सोचा था उस दिन लेकिन कहीं ना कहीं ना दिल में लग रहा था कि यार मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ मतलब हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं थी बस मैं मानना चाहती थी मैंने दरवाज़ा बंद किया या को दूध पिला के सुलाया एक स्टूल उठाई पलंग के ऊपर रखा और साड़ी ही पहनती थी अमूनन में क्योंकि मेरे घर में तो किचन में भी झाक जाके, जाके देखा जाता था कि मैंने साड़ी में यहाँ तक पल्ला डाला है कि नहीं डाला है अगर मैं वो पल्ला भी नहीं डालू तो उसमें भी पिट जाती थी मैं किसी भी चीज में पिट सकती थी मैं किसी भी चीज में पिट सकती थी मुझे आज तक पिटने का कारण नहीं, नहीं पता था तो मैंने साड़ी को पंखे में लगाया अपने गले में डालने ही वाली थी पर बोलते ना ईश्वर ने किसी का जन्म किसी चीज के लिए किया होता है कोई उसको सहारा देना होता है वैसी कोई कंडीशन मेरे साथ बन गई मैं विंडो बंद करना भूल गई इतनी मानसिक रूप से परेशान थी कि मैं भूले ही मैं खिड़की बंद नहीं बंद कर पाई हूँ खिड़की खुली हुई थी वो जो मेरी सासू थी उनका और मेरा आई कांटेक्ट दोनों को हुआ दो, तीन सेकंड तक उन्होंने भी मुझे देखा मैंने भी देखा कि वो देख रही थी मैं फांसी लगा रही हूँ ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा ना ये कहा कि क्यों कर रही है ना चिल्लाया ना दरवाजा खटखटाया कुछ भी नहीं कहा उन्होंने वो मुझे देखकर चली गई मुझे अचानक से दिमाग में आया वैसे भी कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं मैं किसी भी हालत में को छोड़ के नहीं अब मैंने में में मैं सोचा मैं झाड़ू लगा लूंगी मैं पोछा लगा लूंगी किसी के घर में खाना बना लूंगी और अगर जरूरत पड़ी ना तो वेशिया भी बन जाऊंगी रेलवे स्टेशन में लूंगी लेकिन मैं इनके लिए नहीं मरूंगी किसी भी हालत में उसके बाद मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर के जो उन्हीं के रिलेटिव की एक कजन सिस्टर थी मेरी बहुत अच्छी उससे रिश्ता था बहुत अच्छा मैं उसके घर में चले गई वो और उसका भाई उस घर में रह के पढ़ाई करते थे मैं मेरे दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ पे चली गई और उस समय मेरी माँ ने मेरा साथ दिया वो मेरे पिताजी को बोल के आ गई कि अब बहुत हो गया मेरी लड़की जो भी करना चाहती है नहीं करना चाहती मैं उसके साथ में रहूंगी अब मैं मेरी लड़की का साथ दूंगी और मेरी माँ मेरे साथ में आके रह गई एक साढ़े तीन सौ स्क्वेयर फुट के फ्लैट में मैं मेरे दोनों बच्चे वो दोनों भाई बहन और मेरी माँ हम सब लोग रहने लग गए उस समय फिर मैंने एक पार्लर में नौकरी करी और पार्लर में नौकरी करने का मेरा कारण यह था कि मैं पार्लर का, का काम सीखना चाहती थी लेकिन क्योंकि मेरे पास में पार्लर के का का काम सीखने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा कि वहां देख देख के मैं सीख जाऊंगी तो मैंने उस पार्लर में एक महीने नौकरी करी और मैं छोटा मोटा काम वैक्सिंग का थ्रेडिंग का छोटा मोटा कटिंग का काम मैंने सीख लिया क्योंकि मेरी माँ गाँव में सिलाई किया करती थी तो उनको देख देख के मैंने बचपन से सिलाई भी थोड़ी सी सीख ली थी तो मैंने वहाँ पे पार्लर का काम चालू किया एक बड़ा बस आईना लेकर के और सिलाई का, का काम चालू किया और मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम चालू किया और मैं अपने साथ में पढ़ाई भी करती रही मुझे नहीं पता था मेरा आगे का भविष्य क्या होना होने वाला है या मैं सिविल सर्विसेज करूंगी मेरे मन में कुछ नहीं था बस इतना था कि मुझे कोई भी एक छोटी मोटी जॉब ऐसी करनी है जिससे मैं मेरे बच्चों के साथ में सरवाइव कर सकूं और किसी से कुछ भी मांगने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़े मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूँ इतनी मेरी इच्छाएं थी तो मैं इस बीच में पढ़ाई भी करने लग गई मेरे एक दूर के कजन ब्रदर थे बल्कि वो मेरे इन लॉज साइड के ही कजन ब्रदर थे उनको भी मैं आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ मंजीत भैया थैंक यू आ, मेरी फीस भरने के लिए बी की उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी फ़ीस भर दूँगा उन्होंने मेरी बी की फ़ीस भर दी क्योंकि मेरे पास दो छोटे बच्चे थे मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी तो उन्होंने मेरा प्राइवेट एडमिशन करा दिया मैंने प्राइवेट बी ए किया बच्चों को बच्चों के साथ में घर का काम करते हुए सारी चीज़ करते हुए मैंने एम ए किया मेरे एम ए का रिज़ल्ट आया तो लैंडलाइन से सिक्के डाल के मैंने फ़ोन किया कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ है तो बोले कि रिजल्ट लेने आपको ही आना पड़ेगा मैं एकदम से डर गई मैंने कहा यार मैं तो फेल हो गई होंगी कुछ गड़बड़ हो गया है मैंने कहा सर ऐसा है कि कॉलेज तक जाने के लगते चौदह रुपये किराया लगते थे अब कहां से चौदह रुपये लाऊ मेरे तो बच्चे दो रुपये का बिस्कुट मांगते तो वो नहीं दे सकती थी महीनों तक हम सिर्फ दाल चावल खाते थे सुबह दाल चावल रात को दाल चावल मैं दाल को फ्राई भी नहीं कर सकती थी ऐसी स्थिति में मैं रह रही थी और बच्चे को दूध भी पिला रही थी तो मैंने कहा सर मेरे पास में पैसे तो नहीं है वहाँ तक आने के लिए अब दस पंद्रह दिन में अगर मेरे पास में पैसे आ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा रिजल्ट लेने का तो उनको शायद मेरे ऊपर दया हो गई आ गई तो उन्होंने बोला बेटा हम इसलिए नहीं बुला रहे हैं तेरे, भी तेरे को कि तेरे चौदह रुपये लगाने तू पूरे कॉलेज को टॉप किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसलिए तुझे बधाई देने के लिए बुला रहे हैं मुझे पहली बार खुद के ऊपर गर्व हुआ कि मैंने इन परिस्थितियों में बरकतल यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप कर लिया हिम्मत आई थोड़ी सी इस बीच में एक दिन ऐसा वाक्य हुआ कि मैं एम का पेपर देने जा रही थी और एम के पेपर जो है दिन में दो बार हुआ करते थे एक विषय के दो दो पेपर होते थे तो सुबह एक होता था शाम को एक होता था तो ऐसा नहीं कि इस बीच में वो वो मेरा एक्स हस्बैंड जो था मुझसे मिलने नहीं आता था या टॉर्चर करने के लिए नहीं आता था सुबह को मैं पेपर दे के आई यजुश को मैं दूध पिलाने के लिए बीच में आती थी क्योंकि फीडिंग बेबी था तो मैं उसको दूध पिलाने के लिए दोपहर में आई तो वो आया और बिना कारण ही मुझे इतना मारा इतना मारा बहुत मारता ही गया और मैं सच बताऊं उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार इसको जितना मारना है मार ले फटाक से मार ले तो मैं दूसरा पेपर देने के लिए कहीं लेट ना हो जाऊं ना मुझे दर्द हो रहा था ना मुझे रोना आ रहा था कुछ भी नहीं आ रहा था उसने एक बाल्टी में यूरिन करी और पूरे बाल्टी का यूरिन मेरे ऊपर डाल दिया मैं तब भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई मैंने कहा भाई ये जितना मारना है मार ले मार के चला जाए वो मार पीट के चला गया मैंने एक बाल्टी अपने ऊपर पानी डाला और उसके बाद में जो मेरी सिस्टर थी उस समय कजन सिस्टर थी वो बहुत हेल्दी लड़की थी और मैं बहुत ही दुबली पतली बच्ची थी तो मैंने एक बाल्टी पानी डाला मेरे पास दो ही जोड़ी कपड़े थे तो एक तो खराब ही हो गया था एक धुला नहीं था तो मैंने कहा यार तेरा कपड़ा दे दे मैं पहन के एग्जाम देने के लिए चले जाऊंगी तो उसने अपना कपड़ा दिया जो मेरे साइज से लगभग तीन साइज बड़ा था मैंने उसका कपड़ा पहना और मैं एम के एग्जाम देने के लिए गई तो ये सारी सिचुएशन मेरे बीच में चल रही थी और मैं एक नौकरी ढूंढ रही थी रोजगार निर्माण पेपर आया करता था उस समय गुरुवार को जो चार रुपए का हुआ करता था पर मैं बैक डेट का पेपर खरीदती थी क्योंकि रिसेंटली वाला खरीदो तो चार रुपए का आता था, था और एक सप्ताह पुराना खरीदो तो दो रुपए का आता था तो उसमें क्या होता था सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां निकला करती थी और चूंकि मैं नौकरी ढूंढ रही थी तो मैं रोजगार निर्माण पेपर पढ़ा करती थी उसमें निकला सिविल सर्विसेज के एग्जाम का विज्ञापन मैंने उस नौकरी में सैलरी देखी उस समय सैलरी थी उसकी बेसिक वेतन मान जो था बारह हजार कुछ था और वो शायद पंद्रह सोलह हजार रुपये उसमें सैलरी मिलती है उसमें पूरे एग्जाम के सिलेबस पैटर्न सब कुछ लिखा हुआ था कि विलियम कैसे होता है मेन्स कैसे होता है इंटरव्यू कैसे होता है मैंने कहा यार ये एग्जाम अच्छा है यार इसको अगर अपन कर लेंगे तो अपन मैंने मुझे नहीं पता था इतनी पावर हो जाएगी पोस्ट हो जाएगी क्या होगा मुझे सैलरी दिख रही थी उसमें भी मुझे लगा कि यार ये एग्जाम अच्छा है इसको अगर मैं दे दूंगी तो मैं अच्छी सैलरी पाने लग जाऊंगी और मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूंगी तो मैंने सोचा कि ठीक है मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है मेरी मानसिक रूप से भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ कि मैं चीजों को मेमोराइज कर पाऊँ याद कर पाऊँ तो मैंने कहा ठीक है लोगों को एक बार में याद होता है वो दो बार में होता है वो पांच बार में होता है मैं सौ बार में याद करूंगी लेकिन मैं इस एग्जाम को दूंगी और मैं इसको क्लियर करूंगी तो मैं बच्चे मेरे छोटे थे तो जनरली मैं छत में जाके छुप के पढ़ती थी और मेरी माँ मेरे बच्चों को संभालती थी और क्योंकि ये जो दूध पीता था तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई कि आज अब तीन घंटे हो गए पढ़ रही है बच्चे को दूध नहीं पिलाई पिला दे तो मैं नीचे आई और मैं यजुश को दूध पिलाने लग गई उतने में किताब ऊपर ही छोड़ के आ गई थी छत में एक कुत्ते ने मेरी किताब में पेशाब कर दी मैं जब यजुश को दूध पिला के छत में पहुंची तो मैं इतना दुखी हुई उस दिन क्योंकि उस समय किताब की कीमत डेढ़ सौ से दो सौ रुपये थी और मैं दूसरी किताब खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी मैंने उसको भी पॉजिटिविटी में लिया मैंने कहा कोई बात नहीं मैं तो वैसे शिव जी की भक्त हूँ मैंने कहा शिव जी का मेरे को आशीर्वाद मिल गया इसी किताब को मैं पढ़ूंगी मैंने उस किताब को सुखाया सूखने के बाद वो इतनी किताब इतनी हो गई फूल की क्योंकि कुत्ते ने उसमें यूरिन कर दी थी और उसी किताब से मैंने पढ़ के फर्स्ट अटैम्प में प्रिलियम्स निकाल ली जब मैंने प्रीलिम्स निकाल ली तो थोड़ा सा पहले तो किसी को पता नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज निकाल पाऊंगी लेकिन जब मैंने पिलियम्स निकाल ली तो मेरी माँ थोड़ा थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव हुई तो वो बोलते हैं ना कि गाँव में रिवाज है पंडित को दिखा दो ये पूजा करा लो फलाना करा लो ढिमका करा लो तो मेरी माँ जो है मेरा हर जगह हाथ दिखाया करती थी मैं बुरा मानती थी इन सब चीज़ों को पर मेरी माँ की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं हाथ दिखा देती थी वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ तो मेरा पंडित जी को हाथ दिखाया गया और उन्होंने मुझे पंडित जी ने मेरा हाथ दे करके कहा कि इसके भाग्य में जो है ना सरकारी नौकरी की रेखा नहीं है इसके पहले भी दो तीन बार वो बोल चुके थे पर प्रियम्स के बाद भी उन्होंने कहा कि इसके भाग्य में सरकारी नौकरी की रेखा नहीं है मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा ऐसा है पंडित जी नहीं होगी अभी रेखा लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी है ना कि अब भगवान मेरे हाथ में रेखा बना देंगे और बनी वो मेरे हाथ में रेखा और मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं इंटरव्यू देने के लिए गई मेरा इंटरव्यू का भी पहला अनुभव था इसके पहले मैंने जीवन में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था मैंने कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं करी इंटरव्यू मैं इंदौर में देकर के आई सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू इंदौर में होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के उसके बाद में रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया इस बीच में मैंने दूसरी पी भी दे दी तो दूसरी पी दी मैंने तो मैंने पिलियम्स दिया तो वहा के बहुत सारे लोग तब तक मैं एक पी निकाल चुकी थी तो काफी लोग मुझे इंस्टीट्यूट के सहारे जानने लग गए थे तो उस समय कट ऑफ मार्क्स आ गए थे सिविल सर्विसेज में तो उन्होंने मैंने ऐसी पेपर देख के आ गई और फिर एक जो वर्धमान इंस्टीट्यूट के एक बहुत बड़े टीचर थे इलाहाबाद के उन्होंने मेरा पेपर देखा बोले कितना किया है सविता तूने तो, तो मैंने कहा सर सत्तर पचहत्तर परसेंट किया होगा सर बाकी तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने तुक्के मारे हैं कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता बस सेवनटी परसेंट सेवेंटी तक मुझे लगता है मैंने सही पेपर किया है बोले तू तो बाहर है तू तो बाहर है इससे पिलियम्स से क्योंकि इस बार जो कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं ना वो एट्टी के ऊपर जा रहे हैं मैंने होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं कहींफिडेंट थी एक इंटरव्यू में देख आ चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मेरे पहले पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा बोले बोले वो सर बोले कि मैंने तो जो मेरा स्टूडेंट है वो करके आया है तो उसका हुआ तेरा तो नहीं हो पाएगा मैंने कोई बात नहीं सर फिर से प्रयास कर लूंगी मेरा पहली पीएससी का भी रिजल्ट आ गया मेरी दूसरी पीएससी का रिजल्ट आ गया और उस बार जो कट ऑफ मार्क्स थे वो एट्टी फाइव परसेंट गए उस सर के किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मेरा सिलेक्शन दूसरी पीएससी में भी हो गया जब आदिवासी लोग सिविल सर्विसेज निकालते हैं तो उनको प्रीलीम्स निकालने के पच्चीस परसेंट पच्चीस हज़ार रुपये मिलते हैं मेंस निकालने के पच्चीस हजार रुपये मिलते हैं और इंटरव्यू निकालने के मध्य प्रदेश शासन से और भारत सरकार से पच्चीस हजार रुपये मिलते हैं ऐसे मुझे पचहत्तर हजार रुपये की उस समय स्कॉलरशिप मिली अब जो लड़की सुबह शाम दाल चावल खाती हो अपने बच्चे को दो रुपये का पालने का पैकेट नहीं दे पाती हो उस लड़की को पचहत्तर हजार रुपये मिल जाए तो वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगी मैं नहीं हुई थैंक गॉड मैं खुशी से पागल नहीं हुई मेरे मेरी पहली नियुक्ति नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव नगर म्यूनिसपल काउंसिल में मेरी पहली नियुक्ति हुई इस बीच में किसी का कोई रोल नहीं था जैसी मेरी वहां पे पोस्टिंग हुई जो मेरा एक हस्बैंड था वो आ गया अभी तक तो मैं संघर्ष केवल फाइनेंशियली चीजों को लेकर के फिजिकल चीजों को लेकर के कर रही थी कहीं ना कहीं मैं उससे थोड़ा मुक्त थी वो आ गया अब जब मेरी एज ए चीफ मुंसिपल ऑफिसर पोस्टिंग हुई तो मुझे समाज में इज्जत मिली लोग मुझे पहचानने लग गए मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी तो वो मेरे पास में फिर से आ गया आ गया तो उसकी डिमांड ये थी कि एक कार खरीदनी है और वही डराना धमकाना कार खरीदनी है तू पैसे देख नहीं तो फिर वही उसकी आदत ही अलग थी मुझे तो लगता मानसिक रोगी ही रहा होगा तो मैं एक्चुअली मैं कहती हूँ मेरी खुद इसमें गलती है जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती अकेले में दूसरे गल, गलत नहीं समझती हूँ का ली इस बीच में उसने फिर मुझे मारा कि जब भी आता तो गाड़ी में पेट्रोल भरा डीजल भरा पैसे दे नहीं तो वही और मैं किस चीज से डरती थी पता है उस समय तब भी मैं यहाँ सिविल सर्विसेज सेलेक्ट होकर के भी मैं आत्मविश्वासी लड़की नहीं बन पाई थी तब मैं उस चीज से डरती थी कि अगर ये मारेगा तो पेपर में छप जाएगा पूरे जिले को पता चल जाएगा लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे कैसे मेरे सम्मान करेंगे मैडम तो खुद ही पिटती है तो मैं भाग रही थी चीजों से मैंने वहां से अपना ट्रांसफर करा लिया मेरा भाग इतना अच्छा रहा कि मेरी ज्वाइनिंग के आठ महीने बाद ही मुझे जिला मुख्यालय में चीफ मुंसिपल ऑफिसर बना दिया गया और तीन निकायों का अन्य तीन निकायों का भी मुझे चार्ज दे दिया गया और प्रोजेक्ट ऑफिसर भी डिस्ट्रिक्ट का मुझे बना दिया गया इस बीच में मेरे अच्छे लोगों से संबंध हुई और मैं मुझे नहीं पता मुदगल सर कहाँ रहते हैं उस समय वो मेरे एस थे थैंक यू सर आपने मुझे मोटिवेट किया मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी तो मैं हमेशा उदास रहती थी कि कोई बीच बीच में आके मुझे मारपीट करके जाता था और मैं सामाजिक इज्जत के चलते उसको कुछ दे देती थी कुछ कर देती थी तो बोली सविता क्यों ना तू ऐसे उदास रहती मैंने कहा सर वो फिर मैं उनसे खुल गई तो मैंने बताया सर मेरे साथ ऐसी बोले तो किस बात से डरती है मैंने कहा सर वो मेरे, मैं अगर विरोध करूंगी एफ आई करूंगी तो सबको पता चल जा जा जाएगा पेपर में छपेगा कि चीफ मुंसिपल ऑफिसर के हस्बैंड के साथ में मारपीट होती है मैडम के साथ में मारपीट होती है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा बोले तो किस सामाजिक इज्जत की बात कर रही है तो किस सामाजिक इज्जत की बात करी जिसमें तो रोज पिटे रोज गाली खाए टॉर्चर हो जाए वो इज्जत है क्या जिसको जो बोलना है बोलने दे अब की बार आए ना तो मेरे को एक मिस कॉल मारना उस समय मोबाइल फोन आ गया थे मेरे पास नोकिया का टिक टिक वाला फोन था नंबर वाला मेरे को उनने इतना बुस्टअप कर दिया कि इज्जत के बारे में उन्होंने मुझे मुदगल सर ने सही परिभाषा सिखाई कि इज्जत समाज जो बोलता है वो नहीं होती है इज्जत वो होता है जो आपका आत्मसम्मान होता है मैंने उस बात को सीख लिया वो आया हमेशा किधर आते ही से बुझा ये घर किसका है सरकारी मकान बंगला मुझे मिला हुआ था मैंने कहा हाँ मेरा घर है दिन कॉन्फिडेंस का मैंने हाँ ये मेरा घर है मैं तो लड़ने के मूड में थी ऑब्वियसली तो बोला अच्छा ये तेरा घर है उसने मेरे बाल पकड़े उसको मारने का ही तरीका था बाल पकड़े के खिड़की में भटक देना लात मार देना घूसा मार देना पटक देना जिस भी तरह से वो मार सकता था वो मारता था मैंने मोबाइल में डायल किया तो रिंग एक ही रिंग जा पाई सर को एक ही मुदगल सर को रिंग जा पाई पर उसमें लिखा हुआ आया एस पी मंडला उसने देखा कि इसने एस पी को फोन कर दिया तो उसने बोला कि आज तो तूने पुलिस को बुला लिया है तो अब मैं तेरे को उतना मारूंगा इतना मारूंगा जब तक पुलिस नहीं आएगी जिंदा बच गई तो तेरी कहानी नहीं, नहीं बची तो तू जान पर मैं उस दिन एक भी नहीं रोई वैसे तो मैं उसके मारने पर रोती ही नहीं थी मैं उस दिन इतना कॉन्फिडेंट थी मैंने सोचा कि ये मुझे आज आखिरी बार मार रहा है इसके बाद ये जीवन में मुझे नहीं मारेगा मेरी बैचमेट का भाई वहां पे फूल सिंह थे काम टीआई था फूल सिंह भैया थैंक यू और वो ढाई मिनट के अंदर मेरे घर में पुलिस आई और जब पुलिस ने मेरी हालत देखी मेरी नाक से खून बह रहा है मेरे दांत से खून बह रहा है मतलब बहुत ढाई तीन मिनट में वो जितना मुझे मार सकता था मार दिया मेरे दोनों बच्चे यजुशर थर दरवाजे में मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे थे क्योंकि मारने पीटने की आवाज़ आ रही थी जब पुलिस ने मेरी हालत देखी तो एक प्लास्टिक की चेयर लगा के उन्होंने मुझे आंगन में बैठाया और पुलिस वालों ने लिटरली मुझे देखने के बाद में उसके साथ में जो सच में व्यवहार होना चाहिए था जो सालों से नहीं हो पाया था वो व्यवहार पुलिस वालों ने उसके साथ में किया और अच्छे से उसकी पिटाई करी उसके बाद उसको मैंने एफआईआर करी और मैंने शिकायत करी उसकी लीगली और इससे पहले कि मैं डिवोर्स का नोटिस भेजती उन लोगों ने ही मुझे डिवोर्स का नोटिस भेज दिया एक हफ्ते के अंदर में आपने कभी सुना है किसी महिला को पहली पेशी में डिवोर्स मिला हो मैं वो महिला हूं जिसको एक पेशी में डिवोर्स मिला जब जज ने मेरी हालत देखी मैं अकेले जाके कटघरे में खड़े हो गई ऐसे और वो वकील लेके आए हुए थे वो खुद भी इसी प्रोफेशन में था तो जज ने मुझे बोलते ना जैसे ईश्वर हर जगह आ जाता है मदद करने के अगर आप सच्चे दिल के होते हो तो जज ने डायश छोड़ करके मुझे अपने चेम्बर में बुलाया और जज ने कहा बेटा तू क्या चाहती मैं उनके सामने हाथ जोड़ मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए बच्चे मेरे हो जाएं बस इतना आप ऐसा कर दीजिए कि बच्चे मुझे मिल जाएं जज ने मुझसे कुछ नहीं कहा एक ही दिन में लंच टाइम के बाद मेरी दूसरी पेशी लगा दी और बच्चों की पूरी पेरेंटिंग मुझे मिली उससे मिलने की भी अनुमति नहीं मिली और मेरी सिंगल डे में, में मेरा डिवोर्स हो गया तो आज वो दिन था जहाँ पे सही में मैंने अपने आप को पहचाना और सही में मैं सविता प्रधान बन पाई बस मेरा ये कहना है जो मैंने गलतियाँ करी वो गलतियाँ आप मत करना मैंने बहुत देर लगा दी विरोध करने में मैंने बहुत देर लगा दी बाहर निकलने में मैंने बहुत देर तक समाज की मानी जब आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है तो आप महसूस कर रहे हो ना समाज ने महसूस नहीं कर रहा दुनिया महसूस नहीं कर रही समाज कोई भी रिश्तेदार महसूस नहीं कर रहा है वो लोग जो मुझे ताने दिया करते थे कि जब मैं वापस आ गई अच्छा तेरा पति छोड़ दिया मेरे बच्चों को अगर मैं कहीं लेके जाती तो पूछते तेरे पापा नहीं है तेरे पापा ने छोड़ दिया तेरे को नहीं है इस तरह के जो समाज में ताने मारते थे जो मुझे को भी कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं करते थे अब वो बढ़ चढ़ के बताते अच्छा सविता हमारी भतीजी है सविता हमारी बुआ है सविता हमारी दीदी है यही काम अगर मैंने जो इतने सालों बाद किया पहले ही कदम उठा लिया होता तो शायद मुझे इतनी हिंसा का शिकार नहीं होना पड़ता इतनी मानसिक और इतनी शारीरिक यातनाएं सहनी नहीं पड़ती इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपने दुखड़े रोना चाहती हूँ मैं बिल्कुल अपने कोई दुखड़े नहीं रोना चाहती हूँ ये मेरा पास था जिससे मैंने जीवन में सीखा मैं इस कहानी को बताने के लिए इसलिए आई हूँ उन सारी लड़कियों को उन सारी महिलाओं को कि किसी भी तरह की अगर यादना यातनाएं आपके साथ में हो रही है तो समाज को परिवार को रिश्तेदारों को देख करके मत सही है कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा जो इंसान खुद की मदद नहीं करता ना उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करते मैंने खुद की मदद की शायद इसलिए ईश्वर ने भी मेरी हर जगह मदद करी कहीं ना कहीं मैंने माना कि मैं कर लूंगी मैं कर लूंगी मैं कोशिश करूंगी मैं पार्लर का काम करूंगी मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी मैं कोई बाबू की नौकरी कर लूंगी लेकिन मैंने लगातार कोशिशें करती रही तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ आज सत्रह साल से मैं जॉब कर रही हूँ दो में मैंने रीमेरिज करी समाज की एक और मान्यता को मैंने बोलते ना ठेंगा दिखा दिया कि डिवोर्स ही लड़की की दो बच्चों की माँ की शादी नहीं हो सकती तो एक बैचलर लड़के ने मेरे घर में बारात ला के पूरे बैंड बाजा के साथ में मेरे इन लॉज ने मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनाया मेरी शादी हुई और मेरा एक बच्चा भी है खुशहाल परिवार भी है और मैं जो स्टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी कहानी जो दबी हुई थी छुपी हुई थी मेरे संघर्षों को कहीं ना कहीं दुनिया के सामने लाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है hey, मैं हूं डॉक्टर खान फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ के मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश स्टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए जोश स्टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपने प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज को मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृतकाल से वी कैन ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं